था कि इसमें मेजर और माइनर आर्काना में डिवाइडेड है कार्ड्स, एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू बिगिन विद द मेजर आर्काना कार्ड्स. और मेजर का मतलब है लाइफ के मेजर इवेंट्स. अगर आप इनके मीनिंग्स देखेंगे हर कार्ड के, तो आपको खुद को रियलाइज होगा कि बहुत कुछ इन डेप्थ है. अब इसमें अगर हम बात करें, तो जो सबसे पहला कार्ड आता है मेजर आर्काना का, दैट इज द ओरेकल ऑफ डेल्फी. ओरेकल ऑफ डेल्फी कहा जाता है, अगर आप इसकी इमेज देखें. मैम, वो मेजर अरकाना कार्ड्स कौन कौन से होते हैं पहले वो पता लगा लें। तो देखिए, मैम इसका मेडिटेशन वगैरह कुछ नहीं रहेगा नए कार्ड पर, तो के दूसरे जब पास लाइफ करेंगे तभी साथ में कराएंगे आप। नहीं, मेडिटेशन रहेगा मैम, ऐसा नहीं है मेडिटेशन नहीं रहेगा. अभी मैं सिर्फ इंटरप्रिटेशन बता रही हूँ. हर कार्ड को, किसी भी कार्ड को हम यूज करेंगे, उसके साथ साथ हम मेडिटेशंस करेंगे. और इसका भी एक मेडिटेशन हमने किया था अपनी सेक्रेट स्पेस क्रिएट करने का. उसके आगे के मेडिटेशंस वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द कार्ड्स आल्सो, राइट? तो अगर आप इसकी इमेज देख पा रहे हैं, आप देखिए, दिस इज ओरेकल ऑफ डेल्फी. इसमें अगर आप देखेंगे तो डेल्फी की एक प्रीस्टेस है जो ऊपर बैठी हुई है एक स्टूल पे. इस स्टूल को ध्यान से देखिएगा, इसके सिर्फ तीन पैर हैं. अगर आप ये इमेज देख पा रहे हैं, आप देखेंगे तीन पैर हैं स्टूल के, और वहां पे एक प्रीस्ट रोब, मतलब एक प्रीस्ट के कपड़े पहने कोई खड़ा है पीछे. यहाँ देखिए, सॉरी, ये प्रीस्ट के कपड़े पहने कोई खड़ा है और उसके हाथ में एक चिट्ठी सी है. अब अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सारी चीजें अपने आप में डिनोट कर रहा है. इस कार्ड की अगर हम इमेज देखें, इस कार्ड के हम कलर्स देखते हैं. अब हम इस पे एक-एक करके आते हैं. सबसे पहले अगर आप देखें तो ये हमें एक साइकिक वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये जो आप पीछे प्रीस्ट रोब में किसी को खड़ा देख रहे हैं, उस पे शेड्स आ रहे हैं बैक साइड वॉल के. इसका मतलब वो एक साया है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. फिर इसका मतलब, इस कार्ड में अगर आप देख रहे हैं, इतनी हाई सीट पे वो प्रीस्टेस बैठी है, तीन पैर का स्टूल है. तीन पैर यानी कि आपके तीन वर्ल्ड्स, क्रिएटिव, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल, ये तीनों वर्ल्ड्स को सिग्निफाई कर रहा है. तो इन तीनों वर्ल्ड्स को अचीव करके, इन तीनों से ऊपर उठ के वो बैठी है. अगर ये कार्ड किसी की रीडिंग में आता है, आप किसी के बारे में निकाल रहे हैं, एक हम जनरल रीडिंग जब निकालते हैं किसी के बारे में, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम तीन कार्ड्स निकाल लेते हैं कि एनर्जीज कैसी है. अभी अगर मुझे ये कार्ड आया है, तो ये कार्ड आने का मतलब है कि जो सामने मेरे बैठे हैं, उनके अंदर बहुत अच्छी एक इंसाइट या साइकिक पावर है, यानी कि उस लेवल पे वो पहुंच चुके हैं. और अगर ये चीज वो खुद रियलाइज नहीं कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते जिनकी इनसाइट्स और साइकिक पावर्स बहुत अच्छी होती है, बट वो खुद से रियलाइज नहीं करते, वो उस एनर्जी को फील नहीं करते हैं, तो इसका मतलब कि ये गिफ्ट उन्हें उनके पिछले लाइफ से मिला है. नाउ कम्स द इम्पोर्टेंस, वाई आकाशिक कार्ड्स. अब यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि साया हमें पिछली लाइफ से आता हुआ दिख रहा है, तो हम कनेक्ट कर रहे हैं उनके पास्ट लाइफ से, कि या तो ये अपने पास्ट लाइफ में इसी फील्ड से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे थे, या ये चीजें इनके पास्ट लाइफ से इस लाइफ तक कैरी हुई हैं. अब इसका मतलब है कि अगर वो अपनी साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाने पे थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा मेडिटेट करें, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करें, तो उन्हें वो सब चीजें, सारे गिफ्ट्स मिल जाएंगे.
ओरेकल ऑफ डेल्फी एक ऐसा कार्ड है जो बताता है कि बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। ये लेडी हायर सीट पे बैठी हुई, अपनी आंखें बंद की हुई और दोनों आर्म्स फैलाए हुए, इज इन अ रिसेप्टिव मोड। रिसेप्टिव मोड मतलब रिसीव करने के मोड में है, कि वो हर चीज को रिसीव करने के लिए तैयार है। उन्हें पता है कि ये सिचुएशन है और उसके लिए वो तैयार है। सो दैट इज वन इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब है कि आकाशिक विजन वर्ल्ड भी उन्हें फोर्स कर रहा है कि अब सही समय आ गया है कि ये अपने साइकिक गिफ्ट को पहचाने, क्योंकि ये चीजें हमें यूनिवर्स पुश करता है। और यूनिवर्स कैसे पुश करता है, आपको थोड़ा सा इंसाइट इसका भी दे देती हूँ। यूनिवर्स का पुश करने का तरीका अनोखा है थोड़ा सा। ऐसे लोगों को और ऐसे सोल्स को पुश करने के लिए यूनिवर्स अडॉप्ट्स द टफेस्ट पाथ्स। मतलब ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, दे'ल बी चैलेंज्ड। हर स्टेप पे उनके लिए चैलेंज होगा और हर स्टेप पे वो अकेले ही सिचुएशन से डील करते नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने उन्हें चुना होता है कि भाई आपको तो हर कदम पे तप तप के कुंदन तक निखरना है। तो वही उनकी जर्नी रहती है, हर कदम पे उनके लिए एक नया प्रिपरेशन होती है, नए एग्जाम होते हैं उनके लिए, एंड दीज आर एग्जाम्स ऑफ लाइफ। अब चलिए, अगर ये कार्ड रिवर्स्ड आ जाए तो हम क्या करेंगे? देखिए, अब हम इसकी इमेज पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। पहले क्या था? कनेक्शन था तीनों वर्ल्ड से, उससे ऊपर उठ गई थी वो कनेक्ट करके फिजिकल, स्पिरिचुअल और क्रिएटिव वर्ल्ड से। अभी उल्टे में क्या हो रहा है कि कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, वो वर्ल्ड हावी हो रहे हैं इन पे, राइट? इनका उल्टे होने का मतलब क्या है कि अपनी इनर कॉन्शियसनेस को ये डिनाई कर रही है, ये उस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। आपको मैसेजेस मिले हैं, अगर रिवर्स्ड आता है तो इसका मतलब है कि आपको मैसेजेस मिले हैं बट आप उन्हें पहचान नहीं पाए, आप उन्हें एक्नॉलेज नहीं कर पाए। तो जब आप डिनाई करते हो तो इसका मतलब है कि जो गिफ्ट्स आपको अदरवाइज मिल सकते थे, आप उनसे अपना मुंह मोड़ रहे हैं। तो अपने अंदर की जो रोशनी है उसको जागृत करना मैसेज होता है इस रिवर्स कार्ड, कि अगर आप इस चीज को डिनाई कर रहे हैं तभी ये मैसेज आया है और ये ओरेकल ऑफ डेल्फी आपकी लाइफ में आएंगे। अगर आप अभी डिनाई करेंगे आपके चैलेंजेस और बढ़ेंगे, बिकॉज यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो इसके लिए क्या करना होता है हमें? वी हैव टू क्लोज आर आईज एंड गो विद इन। अपनी साइकिक एनर्जी को हमें ग्रो करते हुए, एक्सपैंड करते हुए एक्सपीरियंस करना है। और ऐसे में जो सबसे पहली चीज आप एक्सपीरियंस करते हैं वही आपको आगे ले जाने के लिए होती है। नाउ व्हाट